नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीचर। जनपद उन्नाव में अन्नू टंडन और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच चुनावी घमासान, बीजेपी जीत के महाने पर। जनपद उन्नाव का सियासी दंगल अपनी पराकाष्ठा को पार कर गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि राजनेता बदजुबानी और आमादा कोई भी किसी को भी शराब देकर वोट मांगने की कोशिश कर रहा है, तो कोई किसी को धमकी भरे लहजे में मतदाता व कार्यकर्ताओं को भयभीत कर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। राजनीति को गंदा करने वाले ऐसे तत्व को सियासी दलों ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। अब जनता जनार्दन को निर्णय करना है कि जनपद उन्नाव में नागनाथ सांसद होगा या फिर सापनाथ सांसद होगा या फिर कांग्रेस की समाज सेवका पूर्व सांसद अनु टंडन, जो वेदाग छवि भीष्म पितामह की तरह इस चुनावी महाभारत में आम जनमानस के बीच ताल ठोकते नजर आ रही है। समाचार टीजेट के प्रतिनिधियों ने जनपद के असोहा थाना क्षेत्र के चंदन खेड़ा स्थित कुछ दुकानों पर जाकर जनता जनार्दन की राय जानी, तो वहां की हकीकत जो निकल कर आई वह कुछ और ही है। अरुण शंकर शुक्ला महाराज तथा मोदी के नाम पर वोट देने वालों का कारवा तो मिला जो विकास की बातें करते हैं, कुछ ऐसे मतदाता भी देखने को मिले जिन्हें विकास के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, वैसे जातिवाद पर वोट की बात करते हैं। अफसोस तो तब हुआ जब कांग्रेस की सांसद अनु टंडन के पक्ष में बात रखने वाला एक भी ना तो कार्यकर्ता मिला ना ही मतदाता मिला। समाचार टीजेट के लिए उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार टीजेट में आपका स्वागत है। चुनावी महासंग्राम अपनी पराकाष्ठा को पार कर रहा है। समाचार टीजेट की टीम उन्नाव जनपद के चंदन खेड़ा चौराहे पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर एक होटल है, यहाँ पर चुनावी परिचर्चा चल रही है। समाचार एटीजेट की तरफ से मैं धीरेंद्र सिंह पवन ये जानने का प्रयास करूँगा कि लोकतंत्र का महापर्व नज़दीक है। यहाँ पर तीन प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस की अनु टंडन है, भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज हैं और सपा और बसपा गठबंधन से अरुण शंकर शुक्ला अन्ना महाराज हैं। इन तीनों के बीच में संघर्ष कहाँ पर पहुँचा है, मतदाताओं का क्या है मूड, इन तमाम सारी जानकारियों को हम इकट्ठा करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या है चुनाव को लेकर के कौन सी चर्चाएं गर्म है, हम बात करेंगे। क्या नाम आपका? छोटे लाल जी, ये बताइए चुनाव नज़दीक है और सरकार एक तरफ विकास करवाने का चुनाव लड़ रही है, एक तरफ कह रहे हैं हमने किसानों को जो है पैसा दिया और एक तरफ जो है विकास न होने के मुद्दे पर गठबंधन सरकार सामने है, क्या लगता है इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो भाई हम ना बताते हैं, हम पहले से नहीं, सरकार ने आपको कोई लाभ दिया है? हमको 2000 रुपया मिला। किसके द्वारा मिला है? मोदी द्वारा। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी होंगे या कोई दूसरा होगा? अरे वो वही बंदे के नहीं। अभी आपने देखा जिन लोगों को लाभ मिल रहा है वो लोग आज भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा गुणगान कर रहे हैं। हमारे बीच में गांव के ही हरकेश यादव जी, हम इनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि गठबंधन के विषय में, बीजेपी के विषय में और कांग्रेस के विषय में हम थोड़ा सा इनसे जानना चाहेंगे। हरकेश जी बताइए, ये चुनाव सामने है, लोकतंत्र का बड़ा पर्व, लोग मतदान करने जाएंगे, जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके पास मतदान के कौन से मुद्दे होंगे? हमारे पास मतदान के मुद्दे ये होंगे कि हम किसान के बेटे हैं, गांव गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे रोजगार जो बूंदी में रख करके चाय बेचते हैं, पान की दुकान रखे हैं, उनका हश्र क्या हुआ, किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं उसमें किसानों को दबाया गया है, किसानों की बात नहीं सुनी गई है, खाद की महंगाई चरम सीमा पे पहुंची है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, इसलिए किसान के खेत सरकार की योजनाओं के माध्यम से किसान अपने खेत में सोता है, अपने घर में नहीं सो पा रहा है। आज देश का किसान खेत की चौकीदारी कर रहा है और घर की रखवाली नहीं कर पा रहा। अच्छा, एक बड़ी चीज़ है, 30-40 साल से नहरों में पानी नहीं आया, इस बार नहरों में पानी देखने को मिला। इसके पूर्व में भी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही है और बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट रही है, उसमें भी देखने को मिला कि नहरों का पानी नहीं आया। वर्तमान में इस सुविधा से जो सरकार के द्वारा मिल रही है, इससे कहाँ तक आप समझे? अगर ऐसी सुविधा 5 साल पहले भी कभी मिली होती तो हम लोग ये मानते
कि सरकार वास्तव में सुविधा हम किसानों को दे रही है। ये तो चुनावी समय ये नहर मात्र एक बार छोड़ करके हम किसानों को प्रभावित करने का काम करें। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को चुनाव में किस रूप से आप देखते हैं? ये गठबंधन हुआ है कि गांव के गरीब किसान मजदूर और छोटे छोटे व्यापारियों का गठबंधन है। हमको जो लगता है कि जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो हुआ है, ये किसानों नौजवानों बेरोजगारों दलितों पिछड़ों की समस्या को देखकर ये गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन से पूरे देश में इसकी चर्चा है। गठबंधन जरूर कामयाब होगा, हम किसानों की इसी में भलाई है। गठबंधन के स्टार प्रचारक ने जो है एक सभा में ये दिया था, बयान दिया था, विवादित बयान दिया था कि जो भी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं देगा, उन्होंने विपक्ष पर साधा निशाना, उनको उन्नाव में रहने नहीं दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे गठबंधन के स्टार प्रचारकों के विषय में? हम टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो देखे हैं, जो उन पर चर्चा हुई, शायद भगवंत नगर क्षेत्र की कहानी है। उन्होंने ये कहा था कि इस क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो 5 साल पहले वो सरकार में रहे हैं और सरकार में वो लोग उनके साथ लग करके बहुत सारे काम लिए हैं। ऐसे लोग जो समय समय पर छोड़ देते हैं, व्यापारिक लोग हो गए हैं, ऐसे लोगों को हम सरकार में आने में ज़रूर समझेंगे। ऐसी उनकी कोई नीयत नहीं थी कि मैं रहने नहीं दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि ऐसे लोग इस तरह के काम करने वाले आज हमारे साथ हैं और अवसर आने पर कल वहाँ हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को वहीं घर बना लेना चाहिए जिसके साथ मदद करनी चाहिए। गठबंधन के जो प्रत्याशी पहले थे पूजा पाल, इस समय अरुण शंकर जी शुक्ला जी हैं, इनको 2 बार उन्नाव की जनता की हम कह सकते हैं कि उन्नाव की जनता के क्रोध के या कोप के भाजन का शिकार होना पड़ा, इस बार क्या मंसूबा लेकर के मैदान में आए हैं? जहाँ तक अन्ना महाराज जी जो गठबंधन ने टिकट दिया है, बड़ा नेतृत्व है, बड़ी सोच है, कुछ न कुछ जरूर सोच करके जो सभी पार्टी जाति आंकड़े से अपना अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव जनपद में बैकवर्ड की बड़ी जाति लोधी से एक प्रत्याशी दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोगों को मंजूर नहीं है, उसके बाद भी जाति आंकड़े से टिकट दिया है। इसी तरह गठबंधन ने भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है और ब्राह्मण समाज के उन्नाव जनपद में बहुतायक लोग हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है और चित परिचित भी है। अभी आपने देखा ये ब्रिटिश यादव जी के गांव के रहने वाले थे और यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, पूछेंगे क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे भी ये बताइए मौजूदा राजनीति के विषय में क्या कहना है? यहाँ पर तो चौमान लगी हुई, यहाँ राष्ट्रवाद चल रहा है, राष्ट्रवाद के लिए लोग वोट करेंगे इस बार। एक आरोप लगता है कि कोई भी विकास की बात करो, चाहे किसान की बात करो, चाहे नहर की बात करो, चाहे घर में खाना बने, सिलेंडर मिला, उज्ज्वला, इन तमाम सारे मुद्दों में अगर सरकार फेल होती है तो सीधा सा उनके पास जवाब होता है वंदे मातरम भारत माता की जय। इसके अलावा उन्होंने, जैसे अभी उन्नाव जनपद के सांसद साक्षी महाराज की बात की जाए, तो क्या जानकारी देंगे कि उन्नाव जनपद में 5 साल में कोई एक ऐसा काम उनके द्वारा किया गया जिससे जनता उनको माने? वो प्रत्याशी के माध्यम से नहीं, उनकी सरकार के माध्यम से बहुत कार्य किए गए, जो समाज में आपको दिखाई पड़ रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे बीमा योजना हो या शौचालय हो, हर चीज वर्तमान सरकार ने किया है, उसमें किसी प्रत्याशी का नहीं कहते, जो उनकी सरकार है, सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, अभी आपने देखा यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में लोगों को लाभ मिला है, जनता के बीच में जो है योजनाओं का लाभ पहुंचा है। एक तरफ गठबंधन सपा और बसपा दोनों मिलकर के अपने प्रत्याशी को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा अपने विकास के मुद्दों को लेकर के मैदान में है, तो तीसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी भी एक जातीय आंकड़ों को लेकर के चुनावी महासमर में है। आगे भी तमाम सारी जानकारियों के लिए हम अगले किसी स्टेशन पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए समाचार एक विजेट पर धीरेन्द्र सिंह पवन, नमस्कार। क्या नाम है आपका?
यहाँ पर कब से दुकान आपने चल रही है? दुकान यहाँ 22 वर्ष। इस बार चुनावी लोकतंत्र का जो महापर्व मनाया जा रहा है, इसमें उनके सारे वोट क्या लगता है जब आप वोट डालने जाएंगे? पहले चीज़ तो बताइए, वोट डालने जाएंगे या दुकान पर बैठेंगे? अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके सामने? मतलब ऐसे कौन से विकास के मुद्दे हैं जिनको आपने दिमाग में रखा है, और पार्टी जो आपके सामने आई है, जो उनके वादे हैं, उन वादों को आप कहाँ तक चालू रखते हैं और किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे? मतलब अखिलेश का काम बोल रहा है, मायावती का शासन अच्छा था, इसलिए दोनों लोगों ने गठबंधन किया, इसलिए वोट आपका जाएगा उधर, इसलिए वोट हमारा उधर जाएगा। अच्छा, मौजूदा सरकार के विषय में क्या सांसद साक्षी महाराज जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन पर क्या कहना है? साक्षी महाराज को कभी देखने ही नहीं आए जीतने की बात। नहीं, सांसद जीतने के बाद क्या होटल देखने आया कि विकास नहीं? कोई विकास नहीं हुआ है जब से जीतते हैं, ना दिखाई दिए ना विकास। अभी आपने देखा यहाँ जो होटल की चुनावी चर्चा है, इसमें भी गठबंधन अखिलेश का काम बोलता है, मायावती का शासन अच्छा था, दोनों लोगों का शासन अच्छा था और दोनों लोगों ने अच्छा काम किया। इसी बीच में हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम आपका? डॉक्टर एच के भट्ट। भट्ट जी, बताइए क्या लगता है, लोकतंत्र का चुनाव नज़दीक है, इसमें क्या आसार नज़र आ रहे हैं, या आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप वोट डालने जाएंगे? सबका साथ सबका विकास मुख्य मुद्दा, सबका साथ सबका, ये न किसी जात की, न किसी पात की, न किसी धर्म की, सबको साथ लेके चलने का काम करती है बीजेपी। और जिस गठबंधन में या जिस दल में आज तक प्रधानमंत्री ही निश्चित नहीं है, तो मैं किसको मान के वोट दूँ? यदि गठबंधन को वोट किया जाए तो प्रधानमंत्री तो नहीं, यहाँ पे जीतने के बाद सांसद जीत जाता है, वहाँ जाने के बाद या तो बीजेपी में या तो कांग्रेस, इससे बेहतर है कि या तो कांग्रेस या बीजेपी। तो आप जब जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? जो हमारे देश की सुरक्षा कर सके, हमारे देश की रक्षा कर सके, जो विकास कर सके, मुख्य मुद्दा वही होगा। अच्छा, यहाँ पर 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है और 5 साल कांग्रेस की सरकार में सांसद अनुटंडन रही हैं, ठीक है, रीता बहुगुणा जोशी भी उसी में थी, अब इस समय भाग भाग के सब बीजेपी में आए हैं, और एक जुगराजपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके गांव को जो है डामरीकरण कराने के लिए इन लोगों ने तमाम सारे वादे किए, साक्षी महाराज जी से तमाम सारे वादे किए, आज तक उस गांव में लोग कीचड़ मचा करके जाते हैं, क्या है इनका विकास का मुद्दा अगर बीजेपी को दिया जाए तो? बीजेपी के जो यहां सांसद हैं, क्या अपने किए गए वादों पर खरे उतरे हैं? साक्षी महाराज ने दरअसल में लोग क्या है, केवल मोदी, सिर्फ और सिर्फ मोदी, साक्षी महाराज से कोई वो नहीं, लोग जो वोट करेंगे वो सीधे मोदी को मांग के करेंगे। साक्षी महाराज विकास किए ना किए, जो केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार के अधीन है, सांसद को उतना करना पड़ेगा जो केंद्र देगी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम यहाँ आवाम मोदी को देख रही है, लेकिन जब यहाँ जिस घर का पहरेदार या चौकीदार कह सकते हैं, वो चौकीदार ही गड़बड़ हो अपनी आवाज वहाँ पर, जैसा कि एक मामला आया था चुनाव के पहले 2014 में, जब साक्षी जी चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो इटावा मैनपुरी के रोज पेचकस प्लास लेकर के तार काटते थे और इंडार्गो फैक्ट्री में रोज ताला लगता था, क्या कारण है 5 सालों में ना तो इंडार्गो फैक्ट्री में ताला पड़ा और ना ही उन्नाव से जाने वाली बिजली के तार इटावा मैनपुरी सत्ते के काटे गए, दोबारा से इनको लाने का क्या प्रयोजन है? दोबारा से लाने का प्रयोजन मेन ये है कि मोदी जी ही सबको दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसान, नौजवान, रोजगार, सारी की सारी चीज़ें मोदी में दिख रहे हैं, देश की सुरक्षा से लेकर सारी चीज़ मोदी में, इसलिए साक्षी को नहीं देखा जा रहा, सिर्फ मोदी। कुछ ऐसा आप बता सकते हैं कि मोदी सरकार ने कितने रोजगार आवंटित कराया, रोजगारों को उपलब्ध कराया? इसको बताने में रिकॉर्ड में थोड़ा सा समय लगेगा, सारी चीज़ उपलब्ध तो है नहीं मेरे पास इस समय जो मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा यहाँ पर चुनावी चर्चा में भट्ट जी ने बताया है कि अभी आंकड़े मेरे पास मौजूद नहीं है, फिर भी राष्ट्रवाद के नाम, देश हित के नाम से जो है वोट चुनाव मैदान में पार्टी वोट मांगने आई है। हमारे बीच में बैठे हुए हैं, क्या नाम आपका? राजेश। किस गांव में रहते हैं? सिकरी।
सिकरी, चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है? जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे होंगे? मुद्दे तो यहाँ काफी मुद्दे हैं, चल रही सरकार, इसमें मेन मुद्दा जानवरों का है। नहीं तो जानवर सरकार ने छोड़े या फिर किसानों ने छोड़े? किसानों ने छोड़े हैं। तो इसमें सरकार दोषी कहाँ? दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसान क्या करे, उनको जैसे जैसे यहाँ से पहले भेज देते हैं, भेजने के बाद उनको अब जिसके घर में रह करके क्या करें। नहीं, जानवर जो आप लोग बेचते थे, मान लीजिए बैल बेचते थे, गायों को जो आप लोग छोड़ देते थे, गायों को छोड़ने के उनका दूध निचोड़ लिया और उसके बाद उसके रख रखाव में गो सेवा परम धर्म माना जाता था। जानवरों को छोड़ने का 5 साल, अगर ये बात की जाए तो 5 साल में तो जानवर छोड़े नहीं गए। नहीं नहीं, 5 साल में जानवर हम ही आप छोड़े हैं, लेकिन उनका रख रखाव लिए व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। दूध आप खाएं, रख रखाव सरकार करे, क्यों, कहाँ तक सहमत है? अच्छा इस बार बताइए, सब छोड़िए, प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री कौन होगा, नहीं बता देते कौन होगा। इन्हें तमाम सारी जानकारियों के लिए मैं विकलांग है, पूछो। अच्छा ये बताइए, चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ तेज हैं, प्रत्याशियों ने तो घर में जो है जीना मुहाल कर दिया होगा, लोग आते हैं अपने से बात करते होंगे, आप जब वोट डालने जाओगे तो आपके सामने क्या विकास होने के लिए? मायावती जी एक बात बताइए, मायावती जी चुनाव मैदान में है, गठबंधन के साथ में आई है, और मायावती जी को क्या प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल, क्या खूबी है उनके अंदर? शासन सत्ता से मेरा कुछ नहीं मिला। अखिलेश जी के विषय में क्या कहना चाहते हैं? विकास, मायावती जी के शासन में गुंडा और अखिलेश जी के शासन में तो उधर गुंडों से बचा, इधर विकास मिलेगा, तो मुद्दा है कि गठबंधन को वोट करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दादी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेखा। अच्छा कहाँ रहती हो? सिकंदरी। आपको जो है सरकारी कोई लाभ मिला है? नहीं। गैस कनेक्शन मिला है? हाँ, तो कभी मिला रहा तो वह 1100 है, तो हम लोग गरीब आदमी कैसे भरा पाए? बिजली का कनेक्शन मिला है? अभी मिला है। बिजली का कनेक्शन है, गैस मिला है? गैस मिला है, 4 साल हो गए। अच्छा ये बताइए, आपके खातों में जो 2000 रुपए आना था वो आया? कुछ नहीं। कुछ नहीं आया, कुछ अभी नहीं मिला? ना साथ साला कुछ बंधा है, ना गूंगा हमारा लड़का उठाड़ा है, ना उसको भी कुछ है, ना लैटरिन है, ना कॉलोनी है, घर मेरा गिरा पड़ा, देखिया तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए इस बार वोट डालने जाओगी तो मुद्दा कहाँ रही, वोट डाले क्या, किसको वोट करेंगे? हाँ, हम तो मायावती में करेंगे। अच्छा अच्छा, मायावती को वोट करेंगी। ठीक, मायावती ने इसके पहले कुछ दिया? बहुत लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया? ना कोई चोरी, ना छिनारा, ना गुंडेगिरी, ना कुछ नहीं। तो इस बार मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी? हाँ बिल्कुल बनेंगी। जो इसमें मायावती में दिया जाता है हाथी में बटन दबाई जा रही, वो जा रहा है कमल के फूल में। अच्छा, जो आप हाथी का बटन दबाओगे तो कमल के फूल में चला जाएगा, जा रहा है। ये किसने कह दिया? अच्छा हम कह रहे हो, किसने कह दिया? तो फिर इसका मतलब कमल के फूल में बटन दबाओ तो हाथी में जाएगा? नहीं जाएगा, वो खाली मोदी में, ये सब मोदी में जाएगा, मोदी में जा रहा है। यहाँ लोग बता रहे हैं कि अगर हाथी में भी बटन दबाओगे तो मोदी को वोट जाएगा। यहाँ की माता जी का कहना है कि हम बटन कोई भी दबाएंगे जाके वो मोदी को वोट मिलेगा जाकर के। हमारे बीच में अभी एक और नवयुवक है। माता जी किस गांव में रहती हो? हम तिलोकपुर में रही था। अच्छा ये बताएं, आपके प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेगा? नरेंद्र मोदी क्यों? भूखे दुखे में रुपया दे से राणे रूणे हैं और सहायता दे से, यह सहायता चाहिए और कोनो सरकार सुनत नहीं। और आगे बिजली दिली दे सी गांव में, हरा दूध खाएगा दे सी। किसने दिया दूध? खावा दूध घूम रही गाय, जाइस मन हो जाइस पकड़ ली। और लोग तो कहते हैं अन्न जानवरों से नुकसान हो रहा है हमारा, जो को कहा तो हमारा नुकसान करे तो ज्यादा फायदा हो रहा। तो अब टिकट किसको करोगी? हम नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया है। हाँ, अखिलेश ने?
अखिलेश पहले केहन जो केहन अब हो तो आकर वोट से ना जीत हो जाए हो वो वही हुई मुलो उनका पहले पकड़ा नरेंद्र का नरेंद्र मोदी का। हाँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे मोदी जी बनेंगे। क्या खास है इनमें? अरे देश की रक्षा, देश की सुरक्षा। मोदी को वोट करेंगे? हाँ मोदी को वोट करेंगे। साक्षी जी के विषय में क्या कहना है? साक्षी जी तो मैं किसी कोई काम भी नहीं किया है लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। एक नेता जो है कहता है अगर भाजपाइयों ने वोट दिया तो उनको उन्नाव में रहने नहीं देंगे, उनके लिए क्या कहना है? वो गठबंधन नहीं काम कर पाएगा। तो गठबंधन कोर्ट नहीं करेंगे? गठबंधन कोर्ट नहीं होगा।